बड़ा मेरा विषय जो था, जो मुझे बताया गया, वो कुछ ऐसा था जैसे कि कोई मौत हो रही हो, ऑब्जेक्टिविटी की मौत। उससे पहले पंकज मिले, मेरे एक साथी हैं जो टेक्नोलॉजी कंपनी चलाते हैं, कहते हैं सब सारे लोग बोल रहे हैं दुनिया बड़ी ख़राब है, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, लोग अपने आप इधर उधर होते हैं, किसी के साथ रहता है कोई, क्या रहता है, कोई कहता मुझे आदर्श मत मानो, कोई कहता मेरे जैसा मत बनो, कोई कहता ये दुनिया तो ऐसी ही है, इसमें तो पैसा वहीं से आता है। तो बोले आदर्श किसको माने सर, तो इसका मतलब आदर्शवाद की मौत हो गई। अभी आपने सवाल उठाया था इनके साथ में, क्या आप किसी का टूल तो नहीं बन जाते हैं? तो जो नए बच्चे हैं उनको एक डर ये रहता है कि कोई हमें टूल ना बना ले। तो आदर्श क्या है? आदर्श होना चाहिए क्या सुभाष चंद्रा को, जो कि हम जैसे लोगों को रखते हैं? आदर्श होना चाहिए रूपर्ट मर्डोक को, जो हम जैसे लोगों को रखते हैं? क्या आदर्श वो होना चाहिए उस अंबानी को, जिनके की इन्वेस्टमेंट RRPR से लगा के कहीं पे भी चीने जा सकते? बड़ा शक होता है ना आप लोगों को। असल में इस तरह से शक करेंगे तो आप अपने आप पे शक करना शुरू कर देंगे। तो बेहतर ये होगा, अब कल की एक जिक्र से मैं बात शुरू करता हूँ तो बड़ा आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना। राहुल देव जर्नलिस्ट हैं अपने, उन्होंने एक लाइन कही कि स्ट्रीक ऑफ आइडियलिज्म तो कम से कम होना चाहिए। तो हिंदी की जो, या हम जर्नलिज्म की जो हालत है वो आप बताता हूँ, उसे रिट्वीट किया गया, स्ट्राइक ऑफ आइडियलिज्म तो होना चाहिए। और उससे आगे की चीज़ जिस पे आपको तालियां या शर्म जो भी ठीक लगे, एक बड़े मेरे ख्याल से अखबार के नाम से ही वो रिट्वीट हुआ था, वो हिंदी में रिट्वीट हुआ और वो था आदर्शवाद की हड़ताल होना चाहिए। तो हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं शायद वो आदर्शवाद की हड़ताल की बात कर रहे हैं, कि आदर्शवाद को हम हड़ताल पर भेज दें और उसके बाद कुछ लोग आए और हम लोगों के लिए दाना पानी लाएं, हमें फिर अनशन तोड़वाएं और कुछ हमें दें, हमारी मांगे माने, तो फिर हमारी दुनिया, हमारा कारवां आगे बढ़े। तो जिंदगी इतनी आसान होती तो हमें सिद्धार्थ व्रजराजन को बनते हुए नहीं देखना पड़ता, और जिंदगी इतनी आसान होती तो आज जगन्नाथ स्वराज नहीं चला रहे होते। मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ जो लोग ये तय करते हैं कि हमारा एजेंडा क्या है, हमारा आदर्श क्या है, और वो उस पर काम करना चाहते हैं। कम से कम वो साफ तो हैं। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं उन लोगों जैसा बनने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा जो आपको एक ऐसा बेईमान बनाना चाहते हैं जो सुविधा के हिसाब से आपको अपना ईमान चुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सुविधा के हिसाब से ईमान चुनने की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इनाम मिलते हैं, इकराम मिलते हैं, इज्जत मिलती है, परिवार मिलता है, परिवार में इज्जत मिलती है, एक बड़ी फ्रेम मिलती है, एक फ़ोटो मिलता है, और दूसरे ही दिन अपने आसपास के छपने वाले अखबारों में अपना बहुत बड़ा फ़ोटो मिलता है, और तब आपकी सोसाइटी के जिसके कि आप सेक्रेटरी हों एक गार्ड तक आपको सलाम करता नज़र आ जाता है, और पेंट हाउस में रहने वाले जो आदमी उससे पहले आपके पास मिले तक नहीं थे वो कहते हैं सर आपकी तो फोटो अखबार में छपती है, आप तो बहुत बड़े आदमी। तो आदर्शवाद की बात, ऑब्जेक्टिविटी जो अभी हम लोग कह रहे थे ना, पोलराइजेशन हो गया है मीडिया का, वो सचमुच हुआ है। और ये जो संदेह बार बार आते हैं ना, हम सिद्धार्थ से सवाल करते हैं या जोशी से सवाल करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमें मालूम है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कम से कम एक आदमी ने तो ये कहा कि पिछली मेरी सारी स्टडीज जो थी या सारी स्टोरीज जो थी, वो स्टोरीज जो मैंने बनाई थी, वो स्टोरीज तब की सरकार के खिलाफ भी थी और अब की सरकार के खिलाफ भी थी। मैं सत्ता के खिलाफ बोलता हूँ क्योंकि सत्ता हमेशा लोगों को शोषण के तरीकों पर काम करना और जीना, इन दो तरह की व्यवस्थाओं को बनाने की आदि रही है। लेकिन आप देखते हैं कि कुछ लोग जो लगातार पिछले कई सालों से सत्ता में थे, जिनकी तीन तीन पीढ़ियों ने इंटेलेक्चुअलिज्म तक को ओपिनियन माफिया में बदल दिया, वो ओपिनियन माफिया अगर ये तय करे कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या, तो जवाब में छोटे छोटे जो गिरोह पैदा होंगे उनको आप दोष नहीं दे सकते। एक गैंग के जवाब में गैंग है, मतलब तो मुसीबत ये है आदर्शवाद की, पोलराइजेशन का लेवल ये है कि लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि दाऊद इब्राहिम का पैसा लगे
तो भी कोई बात नहीं, हम जो बात कह रहे हैं वो तो हमारी सच कह रहे हैं। आप सच कह रहे हैं, दाऊद इब्राहिम के लिए सच कह रहे हैं, आप सच कह रहे हैं, किसके लिए सच कह रहे हैं? अगर हाथ की लकीरें दिल की लकीरें बन के और मुल्क की लकीरें ना बनी होती, देश में फौज रखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर दिल से काम होता तो मैं एस्ट्रोलॉजी से काम चला लेता, दिल से काम करना होता तो मैं कविता से काम चला लेता। बहुत खूबसूरत लगता है कि हम लोग एक सुंदर सी कविता लिखें कि पंछी, हवा, पानी, इन सब चीज़ों के लिए किसी शरत की जरूरत नहीं पड़ती, वो कितने खुश लोग होते हैं। पंछी से सीखो जिंदा रहना कैसा होता है, मस्जिद पे भी इसी तरह से बैठता है जिस तरह से मस्जिद पे, और देखो हम लोग उस जैसे भी नहीं हो पाते। दरअसल ऐसा नहीं है, क्योंकि हम विवेक वाले लोग हैं ना, तो विवेक से हमने समाज बनाया। जिस दिन ये समाज एक जैसा हो जाएगा, अभी कल ही तो बात कर रहे थे ओम जी, हम खड़े थे, कह रहे थे भाई ये दुनिया तो एक ही है, आदमी तो एक ही होता है, और सबसे आसान चीज़ है ये कहना कि ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, आदर्श के लिए काम करते हैं। सब क्या है, मानवीयता होनी चाहिए, यही तो आदर्श है, और क्या पोलराइजेशन होता है, जो भी अच्छा होगा उसके लिए लिखते हैं। ये बड़ी बेईमानी है, क्योंकि हर आदमी की एक पॉलिटिक्स होती है, ईमानदारी की भी अपनी एक पॉलिटिक्स होती है, सत्य की अपनी एक पॉलिटिक्स होती है। पानी मिल सकता है हमें? हाँ, आपका पानी, हाँ चलेगा, पानी में कोई बेईमानी नहीं। हम लोग दरअसल एक चाय छोड़कर आए थे तो पानी से काम चला रहे हैं। मित्रों, मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि कल जब ओम जी ये बताने लगे कि ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा आदर्श है, तब हम गूगल को सोच रहे थे बैठ के। मैं गूगल के साथ कल एक उस पे था, मंच पे हम शेयर कर रहे थे, तो गूगल वाले से पंकज ने एक सवाल किया कि आप ये बताइए कि चाइना और रशिया में आपको क्यों बैन किया गया है। उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि वो उसके लिए अधिकृत नहीं थे, पर उनका नहीं, वो एक दूसरा मामला है। मगर बाकी जगहों पर हम एक खुली कंपनी है और डेटा के साथ हम क्या करते हैं ये सब कोई जान सकते हैं। अगर गूगल नाम की एक ऐसी दुनिया है जो आपके व्हाट्सएप, फेसबुक से लगाकर सारी दुनिया की डेटा माइनिंग, यानी वो दुनिया के डेटा की खदानों का सबसे बड़ा मालिक है, जिंदल को तो आप जबरदस्ती दोष देते रहते हैं छोटी मोटी खदानों के लिए। चीजें कहां से कहां जाती हैं आप जानते नहीं, और सारे लोग जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ब्रांडिंग के बाद हो रही मिंटिंग से फायदा उठाना चाहते हैं, तब आपके दिमाग में ये बात खत्म हो जाती है कि आदर्श क्या और अनादर्श क्या है। सबसे आसान काम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम लेना, लेकिन उसके साथ मिंटिंग करना, उससे पैसा बनाना, उसका टकसाल निकालना और उससे अपनी शक्ति अर्जित करना सबसे खतरनाक काम है। वही काम है जो एक घोर दक्षिणपंथी करेगा, वही काम जो एक घोर वामपंथी करेगा। जनता को बेचारी को ये थोड़ी पता है कि नीदरलैंड में एक कंपनी बनी थी, वो इसलिए बनी थी, सब्सिडियरी कंपनी बनी थी कि उसके अंदर कुछ पैसा लगे, वो पैसा इसलिए लगा कि किसी को वहाँ पर एक जगह रेलवे इंजन का कारखाना लगाना था, और कारखाना लगाना था इसलिए उसकी रिश्वत उसने नीदरलैंड में दी, और नीदरलैंड में दी तो वो पैसा लग के और फिर हिंदुस्तान की एक कंपनी में लगा, हिंदुस्तान की एक कंपनी में लगा, वो कंपनी इतनी बड़ी है कि वो आदर्शवाद चलाती है, फिर उस कंपनी से जो कुछ बताया जाता है उस कंपनी के लोग ये तय करते हैं कि किसी सरकार में मंत्री कौन बनना चाहिए और किस मंत्री कौन सा विभाग होना चाहिए। आपको क्या पता लगता है? नहीं पता लगता। जर्नलिस्टों को पता नहीं लगता, आम जनता की तो छोड़ दीजिए। तो कभी कभी आदर्शों की जो लकीरें दिखती है उसके पीछे सबसे खतरनाक नक्शे होते हैं, और अनादर्शों की जो अनगढ़ लाइनें दिखती हैं कभी कभी उनमें बहुत ईमानदारी झलकती है। तो कुछ जेब कतरे भी बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि राजगुरु होते हैं, गले काटते हैं, उनकी बेईमानी का आप हिसाब नहीं लगाते। इसलिए जो आपसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पोलराइजेशन उनकी जगह से हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? लोगों को पता चलता है आज तो कि यार एनडीटीवी ऐसे देख लो, ऐसा काउंटर देखना जीटीवी पे देख लो, यार काम खत्म हुआ। इतना आसान लोगों ने बना लिया है आपके ऊपर, अब आपको और कहीं से सबूत चाहिए टीआरपी के अलावा? आपको संसाधनों पर, अपने आप पर थोड़ा भरोसा हो तो आप समझ सकते हैं कि आपको ईमानदार क्यों मानते हैं। मजा इसमें आता है रीडर को पढ़ने में। एक बड़ा दिलचस्प लेकिन क्रूर किस्म का रूपक है हिंदुस्तान की जनता के बारे में, उस जनता के बारे में जिसे आप सब लोग आदर्श कहते हैं लेकिन जिसे भीड़ की तरह लोग इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में ये क्रूर रूपक है।
हिंदी फिल्मों में जैसा ऑडियंस होता है ना, वैसी हिंदुस्तान की जनता है। जब पर्दे पर रंजीत हीरोइन का बलात्कार कर रहा होता है, ब्लाउज फाड़ रहा होता है, तब सारे दर्शक मन ही मन रंजीत के साथ होते हैं। और जब हीरो अंदर दरवाज़ा तोड़ के आता है और उसे मारना शुरू करते हैं, तब वो हीरोइन के साथ हो जाते हैं और हीरो के लिए तालियां बजाने लगते हैं। ये उनका ईमान है। वो एक वक्त आनंद ले रहे होते हैं और दूसरे वक्त उसी के आदर्श के बारे में तालियां पीटते रहते हैं। इस धूम ही चीज को क्राउड पुलर्स बड़े आसानी से समझ लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल, माफ कीजिए ये गलती मुझसे हुई है जो मुझे नहीं करना चाहिए, अमित लेना इसको जरा ऑफ कर। अरविंद केजरीवाल, आपको याद हो जब उनका पूरा जुलूस लगा था, तब हर आदमी ने सिर पे एक पग लगा लिया था और उस पर आम आदमी लिख लिया था। तब एक आदमी था वहाँ पे ठाकरे, उसने मजाक में कहा था, उसका इरादा जो भी रहा हो, उसने कहा था यार चूहा भी कोई सिर पे लिख ले मैं आम आदमी हूँ तो क्या वो देश का सबसे बड़ा लीडर हो जाएगा। वो ऐसा कड़वा सच था जो हमें उस वक्त ठीक नहीं लगता, आज भी ठीक नहीं लगता है। लेकिन ये भीड़ की मेंटेलिटी थी कि लोग अपना पिकनिक मनाने जंतर मंतर पे जा रहे थे, क्योंकि वो क्लासिक हो जाता। आदर्श क्लासिक बनाने की चीज़ है, आदर्श उच्च किस्म की ब्रांडिंग की चीज़ है। पोलराइजेशन में आप अगर वामपंथ को चुनते हैं तो वो एक सुंदर चीज़ है, सत्ता के विरोध को चुनते हैं तो आपके लिए आनंददायी चीज़ है, अगर ये है तो आप जनता के घोर विरोधी आदमी हैं। अगर उसमें आनंद नहीं, आप अपने संघर्ष की नीति देखते हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। जर्नलिज्म में कोई जगह हो, कोई कॉर्नर हो, आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से अपना काम कीजिए, वही कीजिए जो आपको करना है। और उसके रास्ते हैं, उसके लिए अलग से वर्कशॉप कर सकते हैं, सेमिनार में सिर्फ बातें होती हैं। इसलिए मैं अपनी बात को, अपने हिस्से को यहीं ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं एक्चुअली जर्नलिज्म में सेलेक्टिविटी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। दरअसल कुछ पिछले कुछ दिन पहले टीवी पे एक किस्सा आया था कि एक गांव में एक मुस्लिम बच्चे को ट्रेन में एक भीड़ ने मार दिया, क्योंकि उस पर शक किया गया कि वो बीफ लेके जा रहा था। ठीक है। और फिर ये बताया गया, क्योंकि वो रमज़ान के टाइम पर हुआ था, तो उस पूरे गाँव ने ईद सेलिब्रेट नहीं करी, प्रेयर्स किए और पूरे गाँव के सरपंच और सब साथ थे। तो जब वो न्यूज़ टीवी पे दिखाई गई, तो मेरे फादर का कहना था कि ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ वॉयलेंस पैदा करेगी जो और मुसलमान हैं या उनके जो कट्टर मुसलमान हैं उनकी तरफ, उनको और भड़काएगी। क्योंकि उन्होंने फिर जब मैंने पूछा ऐसा नहीं, पता तो चलना चाहिए ना कि किसी के साथ गलत हुआ है, तो तब उन्होंने मुझे ये एग्जाम्पल दिया था कि जब वो 1992 में वो फिलीपींस में थे मेरे फादर, तब बाबरी मस्जिद जब अबॉलिश हुई थी तो इंडिया में नहीं दिखाई गई थी एग्जैक्ट फुटेज अबॉलिश होने और वो सारी, लेकिन उन्होंने फिलीपींस में देखी। तो उन्होंने कहा तब वो इसलिए नहीं दिखाई गई ताकि यहाँ पे वायलेंस ना क्रिएट हो। तो क्या ये चीज़ सही है, क्या ये सेलेक्टिविटी होनी चाहिए? मैं ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैंने इस सवाल को जब मैंने अपनी नौकरी शुरू की थी 84-85 में, तब फेस किया था। पहली बार जब मैं अपने अखबार में काम कर रहा था, आपको याद है मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं रात को, अगर तो उस वक्त सबीलें लगाई जाती है शरबत की, लोग लगाते हैं। तो रात को बॉम्बे बाजार नाम का एक इलाका था, वो कुख्यात था एक गुंडे के लिए, और उस इलाके में हमेशा हिंदू मुस्लिम तनाव इसी वजह से बना रहता था, क्योंकि दो सीमाएं आपस में मिलती जुलती थी, वहाँ पे कुछ कुछ होता रहता था। तो रात को वहाँ किसी ने कॉपर सल्फेट मिला दिया, नीला थू था उसमें, किसी मटके में किसी ने शरारतन मिला दिया। पुलिस को ये बात पता चल गई और उसने उस मटके को बदलवा दिया। ये खबर रात को हमारे पास आई कि ये बदलवा दिया गया। अब सवाल ये था कि क्या इस खबर को हमें छापना चाहिए कि नहीं छापना चाहिए। उस वक्त हम अकेले अखबार थे जिसकी प्रामाणिकता थी, बाकी अखबारों का अखबार ही नहीं था ऐसा माना जाता था। तो सुरजीत सिंह तब थे, अभिषेक को पता होगा मैं था। तो हम लोग पशुपेश में थे कि इसको छापना चाहिए कि नहीं छापना चाहिए। तो एडिटर्स बैठे, सीनियर थे उस वक्त, जिन लोगों ने आदर्शों की वजह से अखबार शुरू किए थे वो लोग थे उस वक्त।
अभी धंधे के लिए अखबार नहीं कि मेरे पास एक कार होना चाहिए, एक मोबाइल होना चाहिए, फलां होना चाहिए, फलां चीज़ होनी चाहिए। वो वाले लोग नहीं, मेरी सिटी से क्या होगी, 10x2 में बैठूंगा, 8x2 में बैठूंगा, वो वाले लोग नहीं थे। वो लोग साइकिल के ताले लगा के आने वाले लोग थे, लेकिन खबर वही लिखेंगे जो कि आज की ऑडी वाले के खिलाफ भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये खबर नहीं छापनी चाहिए चाहे कुछ हो जाए। पुलिस को एक मिनट के लिए लगा कि अपनी शाबाशी के लिए खबर छप जाए तो अच्छा हो। मतलब आप देखिए, जब बातचीत हो रही थी तो उन्हें लगा कि सर देखिए, हमने रात को बदलवा दिया मटका तो अच्छा ही रहा ना। मतलब देखिए, एक बड़ी दुर्घटना टाल दी पुलिस ने अपनी सतर्कता से, तो भी ये खबर तो बनती उस तरीके से बना लेना चाहिए क्या। अल्टीमेटली हम इस नतीजे पर पहुँचे, हमने कहा ये खबर नहीं छपनी चाहिए, क्योंकि जो बचाना था वो हमने बचा लिया। अगर उसमें नीला थोथा कोई आदमी पी चुका होता और एक मौत हो जाती तो पूरा शहर कत्लगाह में बदल चुका होता। वो आपने बचा लिया। अब दूसरे दिन आप क्या कत्लगाह का कोई प्रोमो शुरू करना चाहते हैं। इस बयान के साथ उस खबर को हमने रोक लिया। लेकिन गुजरात के दंगे हुए, उसमें आपने देखा होगा कि रातों रात एक पोस्टर बच्चे का रोता हुआ 4 घंटे के भीतर देश की मुस्लिम बस्तियों में पहुंच गया था। टेक्नोलॉजी और राजनीति का घालमेल जब होता है ना, तो रोहिंग्या मुसलमानों की बर्मा की तस्वीर से बॉम्बे में आजाद मैदान पे हुआ है। आपको पता है क्या हुआ था, जो देश में नहीं हुआ उस पे होता। तो इसलिए सिलेक्टिव होना चाहिए। बस ये शर्त है कि जो आदमी पीछे बैठा है उसकी ईमानदारी उसके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ी चीज। इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि मीडिया का ये रोल है कि उसको विद्रोही होना चाहिए, उसको सवाल पूछना आना चाहिए, उसको जो भी सत्ता में हो उनको उनका प्रतिरोध करना आना चाहिए, उनके सामने खड़ा होना आना चाहिए, भले ही उसके निजी मत कुछ भी हो। लेकिन दूसरी तरफ ये तर्क दिया जाता है कि जब मीडिया एक मिशन के साथ चलता था तो परिस्थितियाँ कुछ और थी, क्योंकि एक तरफ उसको हम आज़ादी की लड़ाई से जोड़ देते हैं या उससे पहले की चीज़ों से जोड़ते हैं, एक तरफ उसको हम इमरजेंसी से जोड़ देते हैं, और ये कहते हैं कि मीडिया प्रतिरोध का मीडिया इसलिए बना क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी। आज जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, आज जिस तरह का माहौल है, क्या आपको लगता है कि आज इस किस्म की प्रतिरोधी मीडिया के लिए कोई गुंजाइश है या यहाँ तक कि उसकी ज़रूरत भी है? आप थोड़ी देर बाद इनके सेशन में जान जाएंगे। ये जर्नलिस्ट हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो हिंदी का काम है सारा इन्होंने किया है। तो सवाल जिस आदमी ने पूछा है उसकी नीयत, उसके इरादे और उसकी इच्छाओं को देखिए। इन्हें उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में पूरा जीवन गुजारा है और हिंदी वेबसाइटों के लिए काम कर रहे हैं वो। उस आदमी ने टेक्नोलॉजी को सीखा, सब कुछ देखा, और तब वो आदर्श और अनादर्श की बात के बीच में उन्होंने सवाल खड़ा किया। बानंदू जी, जैसे अभी हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि कुछ सवालों के जवाब लोग दार्शनिक तरीके से दिया करते हैं और उसका अर्थ ये होता है कि थोड़ा कोहरा हो तो पहाड़ थोड़ा खूबसूरत लगे। लेकिन बेईमानियां थोड़े से कोहरे छंटते से ही बराबर हो जाते हैं। तो कुछ लोग विरोध के लिए जो विद्रोह करते हैं, वो विद्रोह दरअसल उनकी नकाब होता है, वो उनका रोजगार होता है। और उस रोजगार से जब वो जाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, और फिर वो और विद्रोही हो जाते हैं, वो अल्ट्रा हो जाते हैं। तो जिंदगी इन विद्रोहियों से नहीं चलती जो नकली है। असल में जो भी अच्छा आदमी है वो अच्छा आदमी है, इसके लिए किसी पैरामीटर की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं ओम जी, जैसे सुबह में कह रहा था, आपके पड़ोसी से भी आपका जो रिश्ता होता है उसमें ऐसा होता है कि आपके यहाँ कुत्ता है वो भौंकता है, उनके दादाजी को तकलीफ होती है तो वो चुपचाप कह देते हैं यार जरा रात को कुत्ता जरा भौंकता है पीछे रखा करो इसको, आप मान लेते हैं। लेकिन वो तब संभव होता है जब तक कि आप दोनों के पट्टे प्रॉपर लिखे हुए हों, नक्शे भी ठीक ठाक हों। उसने अगर आपके यहाँ पर टॉयलेट की जगह निकाल ली और अपनी मोहरी उधर से निकाल लिए तो फिर सारा आदर्शवाद विद्रोह में कहाँ जाता है आप देख लीजिए। बहुत सादा उदाहरण मैंने आपको दिया है, सारे विद्रोह इसी तरीके से संपन्न होते हैं।